हाँ देखिए बेटा, एच हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया आपने वी नॉट स्पीड से, और बिल्डिंग से कुछ दूर जाके गिर गया पार्टिकल। तो आपको पहला बताना है टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, पार्टिकल ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा। वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग वेयर पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये चीजें आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो टाइम किसी भी एक्सेस में रहो, टाइम चेंज नहीं होता है अपना, ठीक है। टाइम चाहे से आप इसमें लगाओ, एक्स में या वाई में लगाओ, टाइम सेम रहेगा। तो देखो आपसे पूछ रहा है पहला, कितनी ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा। आपको एक्स डायरेक्शन में तो ये डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, बट एच आपको गिवेन है, तो इसको ओ ले रहा हूं मैं। इसको मान लो ए पॉइंट पर स्ट्राइक करा है इसने, ठीक है। डायरेक्शन का कर लेंगे। हाँ, ए पॉइंट पर स्ट्राइक करा है, तो ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस मान रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, या कितनी देर तक हवा में रहा है, इसके लिए मैं अलोंग द वाई एक्सेस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है। चिन्मय आप बता सकते हैं क्या इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है। जब आपने हॉरिजेंटली फेंका है वो पार्टिकल को वी नॉट स्पीड से, तो वाइड, हाँ यू को आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन बाकी लोग बताएं। अगर मैंने इसको चैट पे बता दो, वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजेंटली पार्टिकल को बिल्डिंग से, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। चलो सौम्य को भी क्लियर है, हाँ ठीक है। तो आपने कोई वेलोसिटी का जब ये कंपोनेंट इधर हॉरिजेंटल आ गया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो हो गया ना बेटा। तो ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे, कि इस सिचुएशन में वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और आप किन दो पॉइंट्स के बीच इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स ओ एंड ए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है, वाई टू माइनस वाई वन यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। आप वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में किन दो पॉइंट्स के बीच अप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, ये किन दो पॉइंट्स के लिए अप्लाई करिए। यहाँ टी इक्वल टू जीरो मान लिया, यहाँ टी इक्वल टू टी मान लिया है, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है। हाँ, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्लियर है क्या बेटा। अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, तो ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल एच है, इनिशियल जीरो है। यू वाई कितना बोला आपने, जीरो बोला, प्लस अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ए वाई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू एच बाई जी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, इतना टाइम लग रहा है इस पार्टिकल को हवा में, अंडर रूट टू एच बाई जी, ठीक है। सेकेंड बात पूछ रहा है वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो क्या मेरे को इसमें हवा में जब भी पार्टिकल है, तो अब तो आप एनएलएम भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, केवल एमजी लग रहा है, तो एमजी इक्वल टू एम ए, तो एक्सलरेशन कितना हुआ, जी के बराबर हुआ ना। तो पार्टिकल जब हवा में और कोई फोर्स नहीं है, तो क्या उसका एक्सलरेशन कांस्टेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसका एक्सलरेशन कांस्टेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये बात समझ पा रहे हैं क्या सब लोग। जब पार्टिकल हवा यस में है, तो उसका यस एक्सलरेशन कांस्टेंट है, क्लियर। अलोंग द वाई डायरेक्शन कांस्टेंट एक्सलरेशन है, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है। तो ये बात बहुत ही गहराई से आपको समझनी ही पड़ेगी, कि वी एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। एम जी, एम जी फोर्स लग रहा है ना, एम जी फोर्स की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेशन कांस्टेंट है, एम जी के अलावा कोई फोर्स नहीं है इस पे, एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है।
और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो वी एक्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है एक्सलरेशन, हमेशा ध्यान रखिए एक्सलरेशन फोर्स से आता है, बाकी किसी से नहीं आता। कि इधर वेलोसिटी है तो इधर एक्सलरेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है फिजिक्स। एक्सलरेशन का रीजन हमेशा फोर्स है। अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स है तो उस डायरेक्शन में एक्सलरेशन है, नहीं है तो उस डायरेक्शन में एक्सलरेशन नहीं। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, तो एक्स में कोई भी एक्सलरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलूंगा वी एक्स विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। हमेशा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दैट पॉइंट ए, वी एक्स कितना रहेगा, वी नॉट के बराबर रहेगा। वी वाई निकालना है तो वी वाई निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, तो आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, प्लस डिस्प्लेसमेंट और आपका जो जी है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस 2gh लिख दिया। ये 0 था, प्लस 2gh, वी वाई कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2gh आ गया। तो वी एक्स पता है, वी वाई पता है, तो स्पीड विद विच इस स्ट्राइक द ग्राउंड, समझ में आया बेटा ए पॉइंट पर क्या हो रहा है। जो ए पॉइंट पर आ रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्लियर है आपको कितना है। हाँ बेटा, ठीक दो चार बच्चों के नहीं, सबके समझ में आनी चाहिए बात। ये कुछ बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। वी आई, वी नॉट, वी वाई आ गई। अब इतना वेक्टर आपने पढ़ा है, इतने बेवकूफी भी नहीं करी थी आपने वेक्टर में, कि आप इन दो वी नॉट और वी वाई का रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं बता पाए। तो कितनी आएगी, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh आएगी। ठीक है, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh आपकी नेट स्पीड बोली जाएगी। कितनी दूर बिल्डिंग से जाके गिरा, ये जो पूछ रहा है आपसे कि आपका मान लो ये बिल्डिंग के बेस से डिस्टेंस कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एक्स में इक्वेशन लगा दो। इसमें क्या है, जब एक्स चेंज कोऑर्डिनेट का, हेलो, हाँ, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स नहीं है बेटा, ये टर्म 0 हो गई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी, यू एक्स हमेशा कांस्टेंट नॉट है। टू एच और टाइम आपने कितना निकाल लिया, अंडर रूट 2h/g, तो टू एच कितना, बाय जी तो इतनी दूर जाके स्ट्राइक करेगा ये वी नॉट इंटू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, बिल्डिंग से इतनी दूर जाके स्ट्राइक करेगा, ये बहुत बेसिक टू डायमेंशनल की प्रॉब्लम है। सारी थीम यही है कि एक्स अलग है, वाई अलग है। अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा। आप बताइए प्रीशा, आपको क्लियर है बेटा ये, कोई डाउट तो नहीं है इसमें प्रीशा, है कि नहीं। अरे हाँ, तीन हाँ बच्चे गायब सर, हैं यार। पर शायद समय बनता नहीं है जब आप क्लास करा रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी नहीं, इतने लापरवाह बच्चे भी होते हैं क्या। हाँ बेटा बताइए। अच्छा क्लास नहीं ले पाएगी। अरे परिणीता तो आ गई। हाँ परिणीता ही बोल रही है, चलो ठीक है बेटा। अनमोल तो आ गया, अमन आया कि नहीं, अमन भी आ गया बेटा। हेलो, कैसे आ गया। इसमें देखो आप, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को इस प्रॉब्लम